अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। लर्निंग बिजी में आज हम डिस्कस करेंगे बीटीयू 102 का लेक्चर 136। अब हम 136 से मैक्रोपिल की ग्रोथ 6 के बारे में बात करते हैं कि हमें किस तरह क्लासिफिकेशन करनी कल्चर मीडिया की, प्योर कल्चर कैसे होते हैं और प्योर कल्चर के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक की यूज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लासिफिकेशन और मीडिया के कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं, कुछ फिजिकल नेचर्स होती हैं। केमिकल कंपोजिशन में हमें डिफाइंड क्योंकि इट वी नो द ऑर्गेनिज्म, हमें पता होता है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स, कि हमें ऑर्गेनिज्म के लिए वन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नाउ और इज फास्टिगेस, कुछ ऑर्गेनिज्म हमें मालूम नहीं होती तो हम केमिकल कंपोजिशन करके मालूम करते हैं। कुछ फिजिकल होते हैं जैसे कि सॉलिड के पेट्रोलिशन में एगर लिक्विड फॉर्म में भी कुछ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया की क्लासिफिकेशन देखते हैं। मीडिया की क्लासिफिकेशन जो होती है वो इन तीन पर्पस पर कुछ सिलेक्टिव होती है कि सिलेक्टिव मींस के हमने एक ही बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से इक्वलाइट माना है तो हम इनका उनकी वगैरह परफेक्ट करें। इन रिच मीडिया के लिए इन रिच मैंट मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मुझे किसी ऑर्गेनिज्म हमने ग्रोथ करवाना है तो हम ब्लड एगर का इस्तेमाल कर डिफ्रेंशिएटेड मतलब कौन की एगर का इस्तेमाल करें जिसमें हमें लैक्टिक एसिड नॉन लैक्टिक फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ब्लड एगर, ब्लड एगर में हमें न्यूट्रिशन एगर होता है प्लस इसके अंदर ब्लड भी होता है, ठीक है। हम किसी भी ह्यूमन का या किसी भी शिप का जो है ब्लड लेते हैं 5% और उसको फिर हम इसके कुछ न्यूट्रिशन ऐड अप करके इसको हम ब्लड एगर बनाते हैं फॉर द इनक्यूबेटर यूज फॉर द फास्टिस ऑर्गेजम। कुछ जो ऑर्गेजम फास्टिस जो कि इसके अंदर यूज होते हैं डिफ्रेंशिएशन, इसमें है हमारे हीमोलिसिस बनती है मतलब कि हमारे ब्लड एगर के फॉर्म में कुछ एक जोन जहाँ पर ग्रोथ है कि वहाँ पर एक जोन क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक बीटा जोन होता है, एक बीटा हीमोलिसिस जिसमें क्लियर जोन बनता है, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोपायोजीन होता है, अगर किसी ग्रोथ या ब्लड एगर के अंदर कोई सैंपल है उसकी इस तरह की कॉलोनी अपेयर हुई और इसमें हमारे पास फुल जोन बन गया, दैट इज अ बीटा हीमोलाइटिक है। और बीटा हीमोलाइटिक है तो हम इस ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे स्ट्रेप्टोपायोजेनेस। एक एल होता है, एक एल मतलब कि अल्फा हीमोलाइज होता है, अल्फा हीमोलाइज के एक कोई बैक्टीरिया हमने ग्रोथ किया जिसमें हमारे पास हीमोलाइजिस तो कम आई लेकिन इसमें जो हमारा जो कलर था कॉलोनी का वो क्या आ गया, ग्रीनिश आ गया, दैट इज अ अल्फा। अब लास्ट वन इज अ गैमा, देखिए कोई भी ग्रीनिश कलर नहीं है और कोई भी जोन क्रिएट नहीं हुआ, दैट इज अ गामा हीमोलाइसिस, ठीक है। अब हम बात करके मेकोनकी एगर, मेकोनकी एगर के अंदर कुछ न्यूट्रोजन एगर भी इस्तेमाल किए, ठीक है, कुछ बायोस्कॉल्ड और कुछ सीवी हमने इस्तेमाल किए। ये सिलेक्टिविटी के लिए भी और डिफरेंट दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज फॉर द गट बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स मैंने इकोलाई की बात की थी। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहले बताया था कि नेटो क्योंकि पिंक कॉलोनी शो की डेट इज लैटिक इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, अगर वो पिंक कलर शो नहीं कर हुआ है तो इसकी डेट इज ये क्या है हमारे पास नॉन लैटिक है। जैसे कि हम लैटिक फर्मेंटेशन जैसे अगर लैटिक फर्मेंटर एज रेड हो तो ई कोलाई है। प्योर कल्चर के लिए हम एक पायोजीन ऑफ सिंगल सेल लेंगे, रॉबर्ट कोच वाज़ द फर्स्ट, एक रॉबर्ट कोच था साइंटिस्ट ने फर्स्ट टू डेवलप किया था प्योर कल्चर टेक्निक। स्टिक मैथड, जैसे स्टिकिंग मैथड ने डिस्कवर कैसे हम एक स्टिक कर सकते हैं किसी भी एगर प्लेट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्योर कल्चर, प्योर कल्चर के देखो हमें एक पूरा एक बताया गया है कि एक हमने लैंप लिया जिसमें एक फ्लेम ऑन किया और उस फ्लेम की मदद और एक लूप ली, ठीक है। इस लूप को पहले हमने क्या किया, हीट की मदद से स्टरलाइज किया, ठीक है, ताकि हमारे पास जो सैंपल है वो जो है जो भी हम कॉलोनी स्टिक करेंगे अगर के ऊपर वो हमारे पास अच्छी सी आ जाए, इंसुलेट आ जाए, कोई मिक्सअप कॉलोनी या कोई अननोन चीज़ें या कॉन्टमेशन वगैरह ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे सैंपल्स डिलीवर बिफोर सिपरिंग डिलीवर करने फिर हमको स्टरलाइज करेंगे ऑन द सरफेस में, देखो ये ब्लड की हमने प्लेट ओपन की और उसके अंदर हम स्टिक करेंगे, 30 से 3300 तक जो हमारे पास कॉलोनीज अपीयर हो सकती हैं। जैसे ये हमने इंकुलेशन की, जिस तरह भी इंकुलेशन करेंगे और उससे हमें कॉलोनीज नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओरिजिनल सैंपल था, ठीक है, ओरिजिनल सैंपल को हमने जो है 9 ml ओरिजिनल सैंपल था, कोई सैंपल है पस का, ठीक है, उसको हमने किसी वाटर सेल्स को डाइल्यूट डाइल्यूट करते हुए इसको हम क्या करते हैं सैंपल के लिए प्योर कमी कल्चर हो सकती है, ठीक है। अब इसमें हमें मिक्सिंग विद वार्म किया, एगर को पोर किया तो हमारे पास की कॉलोनीज नजर आना शुरू होगी। अब समरी बताई गई है कि हम डिफाइन और कॉम्प्लेक्स मीडिया कैसे कर सकते हैं, इनरिच मीडिया क्या होता है, सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, इसके बारे में 137 लेक्चर में देखते हैं कि हमने व्हाट इज बैक्टीरिया की कर्व, बैच कल्चर क्या होता है, कैसे ग्रोथ की कर्व को इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरेशन टाइम कितना होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ का वो डिस्कस करते हैं।
नेस्ट फ्रंटियर्स के ग्रोथ और बैच कल्चर की बात की गई है कि इसमें लिक्विड मीडिया इन द क्लोज वेसल, एक क्लोज वेसल के अंदर हमारे लिक्विड मीडिया होते हैं और नो फ्रेश मीडिया, इसमें हम इसको बना कर रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं। न्यूट्रिशन डिपेंड वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं इसके अंदर, जिसकी अब हमें यहाँ पे एक ग्राफ शो किया गया है कि ये लेक फेस के अंदर में कि जीरो, अभी जीरो आवर है, ठीक है, अभी अभी सैंपल लगाया, अभी कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन यू जो टाइम बढ़ता जाएगा 2 से 4 आवर एक्सपॉन्टेनिंग फेज आ जाएगा। 2 से 4 आवर के बाद 6 से 10th की बेस में जाएं तो वापस एक पुअर एक कल्चर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब 10th के नीचे जाएगा तो ये डेड लाइन फेज होगी, इसमें इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। जनरेशन टाइम बताया गया है कि डबलिंग सेल की हमने एक लॉक लगाया, ठीक है, उसमें हमने बताया कि 10 घंटे के अंदर हमारे पास ये हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ की थी, तो हमारे पास बताया कि 0.5 आवर में एक जनरेशन 30 मिनट में हमारे पास मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक बार बता दी जाए कि 15 मिनट के अंदर इकोलाइज बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है, तो यहाँ पर 30 मिनट का वो बताया किसी भी मैक्सिमम बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम कौन कौन से कर्व यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया जो है वो डायनेमिक किसी भी बैक्टीरिया के लिए हम स्टडी कर सकते हैं, मींस कि हमने एस्पोन्टेनिक फेज के अंदर जिसमें बैक्टीरिया जो है 2 से 4 आवर्स की यहाँ पे अपनी कॉलोनी को प्रोड्यूस करना शुरू करता है, अपनी ग्रोथ को प्रोड्यूस करता है, इसमें हम वैक्सीन की प्रोडक्शन कर सकते हैं, सीड फॉर बैक्टीरिया कर सकते हैं, कल्चर को प्रिजर्व भी कर सकते हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट वन इस लेक्चर 138, डेट इज के हमने कैसे एक मैक्रोबियल नंबर ऑफ कॉलोनीज को जो है एक्सटिमेट करना, न्यूमेरिकल करना, ठीक है, इसको गिनना है। जैसे कि हमारे पास बहुत सी कॉलोनीज हैं, ठीक है, हाँ, पहले तो हम ये मेजरमेंट ऑफ द मैक्रोबियल ग्रोथ ड्रैग काउंट, कि यह ड्रैग काउंट भी कर सकते हैं काउंटिंग चैम्बर से या काउंटिंग काउंटर से, फ्लो एक्सेटोमीटर से, ठीक है, या मेमोरी फिल्टर टेक्निक फॉर वाटर सैंपल फोरेंसिकल डाई से हम यूज करके अपनी बैक्टीरिया की कितनी कॉलोनीज ग्रोथ एग्र के ऊपर वो कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी फिल्टर पेपर मतलब कि हमारे पास एक बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है, उस बैक्टीरिया को हमने एक मेम्ब्रेन के साथ जो है वो प्रेस किया, मेम्ब्रेन को प्रेस किया इसके ऊपर, और जितनी भी कॉलोनी थी वो उस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगी है पुश ओवर होगी है। इसके बाद हम फोरेंसिकल डाई यूज करेंगे, फोरेंसिकल डाई को हम एक्सरे की रे से देख के मतलब बताते हैं कि इतनी कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई है। कुछ हम वेरिएबल काउंटिंग मेथड करते हैं, स्प्रिट प्लेटिंग या पोर्ट प्लेट के ऊपर, पोर्ट प्लेट एंड स्प्रिट प्लेट का मतलब कि हम इसके अंदर जो है किसी डायमीटर के मुताबिक जो है यूज कर सकते हैं कि इतनी इतनी बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है, ठीक है। जैसे कि हमने एक साइकिल रखा, उस साइकिल के ऊपर हमने कोई स्केल रखा, हम एक ही बैक्टीरिया की ग्रोथ के मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने स्प्रिट प्लेट का वही चीज़ बताई कि कितनी कॉलोनी हम उसको डिजायर कर सकते हैं। ड्राई कुछ मेजरमेंट होती हैं जो सेल मैस से होती हैं कि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसे एक उसको कुछ रेस प्रोवाइड करते सैंपल में रख के उसको हम देखते हैं कि इतनी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास जो है वो सेल मैस हुआ, ठीक है, सेल मैस के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करती हैं। कुछ स्टैटिक मतलब कि हम अपनी स्टैटिकल एस्टीमेट टेक्निक को यूज़ करते हुए हम कुछ भी सैंपल के अंदर कितने मिलीमीटर हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका खुराक टेबल बताया गया है। नेक्स्ट वन इज लेक्चर 139, डेट इज अ मैक्रोबियल कंट्रोल। मैक्रोबियल को कंट्रोल करते हुए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम पहले बात करते हैं टर्मोलॉजी स्पेंसिस की बात कीजिए, मैक्रोबियल कॉन्टेमेशन, कुछ मैक्रोबियल कॉन्टेमेशन आती है, एबसेंट ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्टेमेशन, कभी कभी कॉन्टेमेशन एबसेंट होती है। एस्पेटिकल सर्जरी टेक्निक प्रिवेंट, एस्पेटिकल सर्जरी हम ऐसे करते ताकि हमारे मैक्रोबियल कॉन्टेमेशन जो है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। अब हम स्टरलाइज करते हैं, रिमूव ऑल मैक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, हम कहें स्टरलाइज करते हैं जो भी चीज़ें हमने यूज करनी है, डिसइंटिफिकेशन करती हैं पैथोजिन को रिमूव करती हैं, एंटीसेप्सिस कुछ रिमूव करती हैं पैथोजिन को फुल लिविंग टिश्यू ट्यूमर टिश्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वन टर्मिनोलॉजी डिटरमाइन, हम करते हैं रिमूविंग मैक्रोब फॉर द लिमिटेड एरिया इंजेक्शन साइट, मतलब के टर्मोलॉजी के किसी भी मैक्रोब को रूक करके हम किसी एथेनॉल को यूज करते हैं, स्टेलाइजेशन करते हैं लो मैक्रोबिक ग्रोथ और ईटिंग यूटिलाइज, ठीक है, और किल मैक्रोब्स होती हैं, बैक्टीरियल स्टैटिक इनहिबिट या किलिंग द मैक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी की बात, कीमोथेरेपी कहते हैं कि मैक्रोब जो है वो किल होते हैं विद इन द होस्ट टिश्यूज के अंदर, तो समरी तरीके स्टेलाइज कैसे कहते हैं, डिसइंटिफाई कैसे मैक्रोबिकल कंट्रोल को फॉर द विदाउट कंटामिनेशन।
नेक्स्ट वन इज लेजम 140, वेरियस मेथड फॉर द माइक्रोबियल कंट्रोल, कितने कौन कौन से मेथड्स यूज की जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है. फर्स्ट वन इज फिजिकल हीट एंड रेडिएशन. हीट एंड रेडिएशन में ड्राई हीट जो है इनक्लेशन और ड्राई ओवर के तौर पर भी हम कर सकते हैं. हीट जो है वह करते हैं हमारे ड्राई हीट फ्लेमिंग के अंदर हम इनक्लेशन का हमने ग्रुप ली थी इसको हीट अप किया था स्टराइज करके फिर इसको हमने स्टीक किया था किसी प्लेट के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मॉइस्टर्न हीट के लिए हम ऑटो क्लेव का यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी भी ब्लड एगर को करते हैं किसी स्टरलाइज के लिए टूब्स के स्टरलाइज के लिए ऑटो क्लेव का यूज़ करके टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 121 डिग्री सी होता है या हम बोलिंग वाटर डिसइंटिफिकेशन से भी कर सकते हैं. ये हमें पूरा एक बताया गया है ऑटो क्लेव का प्रोसीजर किस तरह हम एक स्टीम इसके अंदर पास थ्रू होती है स्टीम चैम्बर जो हेयर प्रोवाइड करता है और वहाँ पर सारी कॉन्टामिनेशन जो है वो रिमूव हो जाती है. ठीक है. या हम स्टीम विद इसको हम कटिंग आइटम के साथ इसको कवर कर सकते हैं. पेस्टुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक स्पॉलिज ऑर्गेजम एंड पैथोजिन को रिड्यूस कर सकें. इसका टेम्परेचर 63 डिग्री से होता है 430 मिनट्स के लिए. हाई टेम्परेचर अगर शॉर्ट टाइम लेना है हमने तो 72 डिग्री से 50 सेकेंड. अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 140 डिग्री से फॉर 1 सेकेंड. और थर्मोमोडिक ऑर्गेजम जो है यहाँ पर क्या हो सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं. अगर और फिजिकल कंडीशन में देखा जाए कुछ रेफ्रिजरेटर कुछ ड्रीप फ्रीजिंग कुछ लैबोफिलाइज यूज करते हैं. हाई प्रेशर जो है वो डिनेचर करता है प्रोटीन को डिजाइड प्रिवेंट करता है मेटाबोल ऑस्मोटिकल प्रेशर जो है वो कॉज करता है प्लाज्मा मोलाइसिस को. समरी बताई गई है कि हम इन मेथड से हम इसको यूज करते हैं. थैंक यू.